To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन, पिछले वीडियो में हम लोग भक्त शिरोमणि दसखान के द्वितीय सवैये का अध्ययन अध्यापन किए थे और इस वीडियो में हम लोग रसखान कवि के जो तीसरे सवैये हैं उसका अध्ययन अध्यापन करने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको तीसरे सवैये में जो क्लिष्ट शब्द आने वाले हैं उनका अर्थ बतला देता हूँ। शब्द है मोर पखा, इसका अर्थ होता है मोर के पंख लगे हुए मुकुट, जिसको मोर मुकुट भी कहते हैं। गरे का अर्थ है गले में, पीतंबर का अर्थ है पीला वस्त्र, लकुटी का अर्थ है लाठी, ग्वारनी संग इसका अर्थ है ग्वालों के साथ, भावतो का अर्थ है अच्छा लगता है, मुरली का अर्थ है बांसुरी, इसको बंसी भी कहते हैं, अधरान इसका अर्थ होता है होठों पर, धरी मतलब धारण करना रखना, गुंज की माल एक शब्द है और इसका अर्थ होता है घूंघची की माला, पहरूंगी मतलब पहनूंगा या पहनूंगी, राखी हूं रखूंगा या रखूंगी, लय मतलब लेकर, गोधन इसका अर्थ है गायें, गाय का बहुवचन है, फिरौंगी मतलब घूमूंगा या घूमूंगी, स्वांग इसका अर्थ है अभिनय करना, मुरलीधर श्री कृष्ण, अधरा न धरौंगी होठों पर धारण न करूंगी। तो आइए हम लोग भक्त शिरोमणि रसखान कवि के तीसरे सवैये को जानने का समझने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहरौंगी, ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरौंगी, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करौंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरौंगी। प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए और वहां पर उन्होंने कंस के अत्याचार से मथुरा वासियों की रक्षा की, कंस का समन किया, उसका नाश किया और कारागार से अपने माता पिता को मुक्त कराए, अपने नाना उग्रसेन को भी मुक्त कराए और फिर वहां से वे द्वारिका चले गए। द्वारिकाधीश हो गए, द्वारिका के राजा हो गए और राजकाज में इतने लीन हो गए कि अब ब्रज में आने की कोई संभावना ही नहीं बन रही थी और उनके वियोग में व्याकुल होकर 16,000 से अधिक गोपियां परेशान हैं, श्री कृष्ण से मिलने के लिए तत्पर है, व्याकुल है, उसमें राधा भी है, विशाखा है, ललिता है, बहुत सारी सखियां हैं, किसका किसका नाम बताया जा सकता है, वो सब यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे एकत्र होती हैं और सखी लोग आपस में चर्चा करती हैं कि क्यों ना हम में से कोई श्री कृष्ण का स्वरूप धारण करे ताकि हम लोग की जो आत्मा छटपटा रही है श्री कृष्ण से मिलने के लिए, उनके सौंदर्य का दर्शन करने के लिए, तो कुछ राहत मिलेगी। तो एक गोपी श्री कृष्ण का स्वांग रचाने के लिए मतलब उनका अभिनय करने के लिए, उनका एक्टिंग करने के लिए तैयार होती है, लेकिन वो शर्त रखती है। शर्त यह रखती है कि मैं श्री कृष्ण के सारे वेशभूषा पहनने के लिए तैयार हूँ, उनके सारे अभिनय करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन
जो बंसी जो मुरली उनके होठों पर लगती है मैं उसे अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। अब एक गोपी इस शर्त को क्यों रखती है जब हम इसे पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे आप तो सब कुछ समझ जाएंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरय पहिराऊंगी। एक गोपी सभी सखियों को संबोधित करते हुए कहती है कि मैं श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ, मैं क्या क्या करूंगी तो सुनो। मैं अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करने के लिए तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण करते थे, मतलब वह मुकुट जिस पर मोर के पंख खुसे हुए थे। आजकल तो लोग शादी में जाते हैं और जो मुकुट धारण करते हैं उसमें उजला पंख, पता नहीं वो हंस का रहता है कि बत्तख का रहता है कि बगुला का रहता है, वो भगवान जाने। लेकिन श्री कृष्ण का जहां भी देखिएगा, उनके तस्वीर को देखे, मूर्ति को देखे, तो उनका जो मुकुट है, सिर मुकुट है, उस पर मोर का पंख खुसा हुआ रहता है। तो गोपियां कहती है कि मैं श्री कृष्ण का मोर मुकुट अपने माथे पर धारण करने के लिए तैयार हूँ। आगे कहती हैं गुंज की माल गरे पहिराऊंगी। गुंज कहते हैं एक छोटा सा दाना होता है जिसको घूंघची कहते हैं, वो लाल और कालीमा लिए हुए रहता है, बड़ा चमकदार होता है। अब जहां कहीं भी श्री कृष्ण के तस्वीर को देखे होंगे, देखते होंगे, तो एक छोटा सा घूंघची का माला उनके गर्दन में अवश्य। ओढ़ी पीतम्बर लैल कुटी बन गोधर ग्वारनी संग फिराऊंगी। रसखान के अनुसार एक गोपी कहती है कि श्री कृष्ण पीताम्बर कहलाते हैं क्योंकि वो पीला वस्त्र धारण करते थे, तो मैं भी श्री कृष्ण की तरह पीताम्बर धारण करने के लिए, मतलब पीला वस्त्र धारण करने के लिए तैयार हूं। और श्री कृष्ण जिस छोटी सी लाठी को लेकर, गाय चराने वाले छोटे से डंडे को लेकर ग्वाल बाल के साथ गाय चराने के लिए जंगल में भटकते थे, जाते थे, विचरण करते थे, गायों को चराते थे, मैं वह सारे अभिनय, वह सारे स्वांग, सारे वेशभूषा, सारे रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ। ग्वालों के साथ भ्रमण करने में भी, जंगल में भटकने में भी, और गायों को चराने में भी कोई आपत्ति नहीं है। जो हमारे आराध्य, जो हमारे प्रेमी श्री कृष्ण करते थे, उस सारे कार्य को मूर्त रूप देने के लिए मैं तैयार हूँ। और आगे कहती है भाव तो वही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, क्योंकि श्री कृष्ण का ये सारा स्वरूप मुझे अच्छा लगता है। उनका मोर मुकुट धारण करना अच्छा लगता है, घुमची का माला गले में धारण करना अच्छा लगता है, पीताम्बर धारण करना अच्छा लगता है, और ग्वालों के साथ गायों को चराने के क्रम में लाठी लेकर जो भ्रमण करते हैं, सारे रूप अच्छे लगते हैं। इसलिए तुम लोग जो भी अभिनय कहोगे करने के लिए, सारे अभिनय करने के लिए मैं तैयार हूँ, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और अब हम आते हैं इस सवैये की जो पराकाष्ठा है, चरमोत्कर्ष है, चरम बिंदु है, वहां पर जो उस गोपी का शर्त है, अंत में वो शर्त रखती है, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान अधरूंगी। किंतु जिस मुरली को श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते थे, मधुर तान छेड़ते थे, बजाते थे, मैं अपने होठों पर उस मुरली को धारण नहीं करूंगी। अब भैया बहन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक शब्द है अधरान, पहले भी मैंने बतलाया था, जिसका अर्थ होता है होठों पर, और यही शब्द यहाँ है अधरान न, तब इसका अर्थ हो जाता है होठों पर नहीं धारण करूंगी। अब यहाँ यमक अलंकार हो जाता है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं और अलग अलग अर्थों में आते हैं, तो वहां यमक अलंकार हो जाता है। तो कहती है कि जिन मुरली को होठों पर धारण करते थे, मैं अपने होठों पर उस मुरली को धारण नहीं करूंगी। अब कारण क्या है तो मैं आपको बतला दूं, ये गोपी जो है मुरली से सौतिया डाह रखती है, ईर्ष्या करती है। उनका मानना है कि श्री कृष्ण हम लोगों से बहुत प्रेम करता है, जितना हम लोग करते हैं, लेकिन बीच में मुरली आ जाती है
जब देखो तो ये श्री कृष्ण के होठों पर बजती रहती है और इसीलिए श्री कृष्ण हमसे दूर है। मतलब श्री कृष्ण के होठों पर गोपियां अपना एक छत्र अधिकार चाहती है और वहां मुरली ने अपना अधिकार जमाया हुआ है, इसलिए वह ईर्ष्या करती है। दो सौत के बीच, दो सौतिन के बीच जो डाह होते हैं उसको सौतिया डाह कहते हैं। और मुझे लगता है, मेरे विचार से सोचिएगा तो गोपियां स्वच्छता प्रेमी थी, और अगर मुरली को किसी ने अपने होठ पर धारण किया है और दूसरा भी उसे अपने होठों पर धारण करे तो विज्ञान भी इसे रोकता है कि अगर उसको पायरिया है तो हो सकता है कि मुरली जो जो धारण करेंगे उनको भी पायरिया का कीटाणु प्रभावित करेगा, संक्रमित करेगा, और फिर मुंह से दुर्गंध वगैरह आ सकते हैं। तो विज्ञान के दृष्टि से भी ये उचित है, और गोपियों का जो सौतिया डाह है उस बांसुरी से वह भी एकदम उचित है। तो आप इसका लौकिक अर्थ समझिए, अलौकिक अर्थ समझिए, यह तीसरे सवैये हर तरह से उपयुक्त है। तो प्रिय भैया बहन, हम लोग भक्त शिरोमणि रस खान के चौथे सवैये को अगले वीडियो में जानने समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।